गुड मॉर्निंग्स। टुडे जो टॉपिक्स अगेन है फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 7 है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का। तो अभी भी हम क्या करेंगे, इनवर्सन इंटीग्रल मेथड्स या इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू मेथड्स से हम कैसे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म को फाइंड करेंगे उस पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे अभी। तो पहला जो एफ के होता है क्या, वो हमें जान लीजिए। तो इसमें एफ के क्या होता है, जेड इनवर्स एफ जेड रेसिड्यू ऑफ जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड इज इम्पॉर्टेंट है, जेड रेस टू के माइनस एफ जेड एट द पोल ऑफ एफ जेड। इट मीन्स क्या हुआ कि आपको पहले क्या फाइंड करना होगा, फाइंड जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये फाइंड करना होगा, फिर इस फंक्शन पे जो भी पोल होंगे उस पोल पर हमें सारा वर्क करना है। पोल मतलब क्या हुआ, जो डिनोमीटर वाला टर्म्स होगा उसको पोल कर सकते हो आप। जैसे इस तरह से दे दिया कि z माइनस ए और z माइनस बी, तो ये दोनों क्या है, ये पोल है आपके। ठीक है, वो ऑर्डर सिंपल है क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर पावर वन है तो वो सिंपल पोल हो जाएगा। तो रेसिड्यू ऑफ सिंपल पोल एट z इक्वल टू ए, मतलब इसकी डिग्री अगर वन होती है तो उसको हम कहते हैं सिंपल पोल। ठीक है, तो ये सिंपल पोल हो जाएगा। समझ में आ रही बात, सिंपल पोल मतलब इस तरह से मिलेगा z माइनस ए, ठीक, दैट इज पावर ऑफ वन। तो ये होगा आपका जेड माइनस ए जेड एस टू के माइनस वन एफ जेड, क्योंकि हमें ये चाहिए ना, इस वाले पर निकालना है। रेसिड्यू ऑफ फॉर एम टाइम्स रिपीटेड पोल्स या ऑर्डर एम का पोल होगा, तो ये होगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा आपका एफ जेड, इस तरह से हो जाएगा वन अपॉन जेड माइनस ए पावर ऑफ ऑर्डर एम, इस ऑर्डर एम के फॉर्म में हो तो हम फिर ये यूज करेंगे। तो अब हमने ले लिया है दोस्त, कुछ प्रॉब्लम्स ले लिए, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे हम। तो वन बाई वन, तो क्वेश्चन नंबर वन, तो पहला जो हमारा नेसेसरी क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स, हमें ये कौन सा टर्म पहले ये फाइंड करना है, याद रखिएगा। तो एफ जेड दिया हुआ है वन अपॉन जेड माइनस टू और जेड माइनस थ्री। तो अब हम फाइंड करेंगे जेड एस टू के माइनस वन एफ जेड, तभी बात बनेगी। तो हम मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ अपॉन एफ जेड, ये ठीक। अब हम पोल के लिए वर्क करेंगे, तो पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, तो जेड माइनस टू और जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू टू और जेड इक्वल टू थ्री। ठीक है, दोनों कैसे हैं, इनके पावर वन है, मतलब बोथ सिंपल पोल है। ठीक, तो अब बहुत सिंपल पोल है तो हम सिंपल पोल वाला ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे रेसिड्यू ऑफ जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड एट सिंपल पोल। तो फार्मूला है आपका जेड माइनस ए जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड और इन सब की वैल्यू जेड रेस टू ए पे। ठीक है, तो पहला है जेड इक्वल टू टू, है जेड इक्वल टू टू पे है, तो मान लेते हैं हम आर वन हो जाएगा, तो आर वन हम निकाल लेंगे अभी, जेड माइनस टू हो जाएगा जेड रेस टू के माइनस वन, ये निकाला है आपने ये वाला पोर्शन, ये जेड माइनस टू और जेड माइनस थ्री और जेड इक्वल टू, ये गया तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे टू रेस टू के के माइनस वन अपॉन टू माइनस थ्री, तो माइनस टू रेस टू के माइनस वन ये मिल गया आपका। चाहते हैं यहाँ से टू निकाल भी सकते हैं आप, बट एट इट इज। अब हम जेड इक्वल टू थ्री पर निकाल लेंगे, तो मान लीजिए आर टू है, यहाँ पे आ जाएगा जेड माइनस थ्री ए की वैल्यू, ठीक है यहाँ पे ए की वैल्यू ना, और यहाँ पे हो जाएगा जेड एस टू के माइनस वन अपॉन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री और जेड इक्वल टू थ्री, ये चला जाएगा थ्री रेस टू के माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन, मतलब हो गया। तो एफ के क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेसिड्यू, तो माइनस टू रेस टू के माइनस वन प्लस थ्री रेस टू के माइनस वन, ये हो गया आंसर।
तो इस तरह से हम इसका वर्क कर लेंगे। अब दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें वर्क कर लेना है। ये जेड क्यू और समथिंग एफ जेड, तो जेड क्यू दे दिया है और क्या है जेड माइनस वन है और जेड माइनस टू का होल स्क्वायर है। ठीक, तो पहला वर्क जो है फर्स्ट जो स्टेप होगा ना आपका, आपको जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड फाइंड करना है। तो जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जेड रेस टू हो जाएगा के प्लस टू हो जाएगा और यहाँ पे जेड माइनस वन एट इट इज जेड माइनस टू होल स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे इन दोनों का सिंप्लीफाई। अब पोल की बात कर लेते हैं, तो पोल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो पुट अप कर दीजिए, जेड माइनस वन जेड माइनस टू होल स्क्वायर जीरो, जेड इक्वल टू वन, ये हो गया सिंपल पोल। ठीक, और ये है जेड माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू टू, बट यहाँ टू है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, टू हो गया, टू ऑर्डर का पोल है। तो अब हम जो पहले सिंपल और फिर ऑर्डर एम वाले फार्मूले पे इसका वर्क कर लेंगे। ठीक है, तो रेसिड्यू ऑफ जेड एस टू के माइनस वन एफ जेड एट सिंपल पोल जेड इक्वल टू ए, तो क्या आपका जेड माइनस ए फार्मूला है, जेड एस टू के माइनस वन एफ जेड, उसकी वैल्यू जेड इक्वल टू ए पे। तो अभी हमें आर वन ले लेते हैं, जेड इक्वल टू वन पे निकाल लेते हैं क्योंकि वन पे ये सिंपल पोल है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस वन। ठीक है, और जेड रेस टू के प्लस यहाँ पे टू है, के प्लस टू अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू होल स्क्वायर जेड इक्वल टू वन। ठीक है, ये गया, यह जाएगा वन रेस टू के प्लस टू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वन माइनस टू होल स्क्वायर, सो वन रेस टू के प्लस टू लिख लीजिए, वन लिख लीजिए, दैट इज आर वन। ठीक है, ये निकल गया हमारा आर वन। तो जब आर वन निकल गया अब उसके आगे का वर्क हम करेंगे। ठीक है, तो ये निकल गया, अब हम इस वाले पे बात करेंगे। तो रेसिड्यू ऑफ जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, तो ये फार्मूला है अपन एम माइनस वन फैक्टोरियल डी रेस टू एम माइनस वन डी जेड रेस टू एम माइनस वन। ठीक, जेड माइनस ए पावर ऑफ एम जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड। ठीक, और इसकी वैल्यू जेड इक्वल टू ए, ये है। तो अब यहाँ पे हमारा जो है ऑर्डर कितना है, इक्वल टू, मतलब एम की वैल्यू टू है। ठीक है, और जेड इक्वल टू कितना है, टू ही है, यहाँ पे टू है, जेड इक्वल टू टू तो टू। तो अब हम आर टू निकालेंगे। ठीक, तो वन अपॉन यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस वन फैक्टोरियल टू डी अपॉन डी जेड हो गया। ठीक, यहाँ पे जेड रेस माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जेड रेस टू के, तो जेड रेस टू टू प्लस वन है, सॉरी के प्लस टू है, और यहाँ पे जेड माइनस वन अगेन, और ये जेड माइनस टू होल स्क्वायर। ठीक, ये चला जाएगा, इनकी वैल्यू है जेड इक्वल टू टू पे, तो ये वन हो गया आर टू। तो अब ये हो गया डी बाई डी जेड जेड रेस टू के प्लस टू अपॉन जेड माइनस वन, ये है, और जेड इक्वल टू टू। तो पहले डेरिवेटिव करना होगा, तो न्यूमरेटर इंटू डिनोमीटर, डिनोमीटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो के प्लस टू और जेड रेस टू के प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, माइनस जेड रेस टू के प्लस टू इंटू वन,
डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, जेड इक्वल टू टू, ये वर्क है। तो चाहे आप इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं, कॉमन ठीक है, नहीं तो आप आइडेंटिटीज रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉमन करना है या तो टू रख देते हैं, टू रख देता हूँ मैं, टू माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, के प्लस टू हो जाएगा, टू रेस टू के प्लस वन हो गया, माइनस टू रेस टू के प्लस टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू माइनस वन होल स्क्वायर, कितना होगा, टू टू जा फोर, सॉरी वन हो गया, के प्लस मतलब के प्लस टू, टू रेस टू के प्लस वन, माइनस टू रेस टू के प्लस टू, और ये ख़त्म, कितना आ जाएगा आर टू। तो अब एफ के क्या हो जाएगा, तो एफ के जो हमारा होगा ना, दोनों का सम हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। तो आर वन हमने इधर निकाला है, वन है, वन प्लस किया जाएगा के प्लस टू, टू रेस टू के प्लस वन, माइनस टू रेस टू के प्लस टू, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से ये हम करके निकाल सकते हैं इन्वर्सन मेथड से कैसे करना है, ठीक है। तो और प्रॉब्लम्स लेना है तो एक और प्रॉब्लम और ले लेता हूँ, ये जैसे ले लेता हूँ, एफ जेड है जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन, ये ले लिया है, ठीक है। तो अब ये करना है तो ये कैसे होगा, समझ में आ रही बात, इसको आप ऐसे ले सकते हो, जेड स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर क्या होता है आपका, माइनस वन होता है, प्लस हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस आई मिल गया और जेड प्लस आई मिल गया, ये मिल जाएगा एफ जेड, ठीक। तो अब हमें चाहिए जेड रेस टू के माइनस वन एफ जेड, ये हो जाएगा जेड रेस टू के प्लस वन ऑन एफ जेड, जेड माइनस आई और जेड प्लस आई, ये मिल गया सिंपल सा। तो अब ये पोल हम पहले निकालेंगे, पोल, ठीक है। तो पोल में ले जेड माइनस आई और जेड प्लस आई इक्वल टू ज़ीरो, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई हो जाएगा, और ये कैसे होंगे, सिंपल सिंपल पोल, ठीक है। तो पहला आप निकाल लेंगे हम, फर्स्ट जेड इक्वल टू आई पे निकाल लीजिए आर वन, सिंपल पोल के लिए हमें फार्मूला, तो जेड माइनस आई जेड रेस टू के प्लस वन अपॉन जेड माइनस आई और जेड प्लस आई, और इसकी वैल्यू जेड इक्वल टू आई पे, ठीक, ये गया। तो क्या मिलेगा अब, आई रेस टू के प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रख दीजिए टू आई हो जाएगा। तो यहाँ से एक आया निकाल सकते हैं, मतलब ये आई रेस टू के अपॉन टू मिल जाएगा आर वन, ठीक है, आई रेस टू के अपॉन टू। तो अब चाहे तो इसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और आर टू वाले पे बात कर लेते हैं, सेकेंड वाला जेड इक्वल टू अब माइनस आई है तो क्या करेंगे, तो सिंपल यही हो जाएगा, सिर्फ ये मिल जाएगा माइनस आई रेस टू के, ठीक है, और यहाँ पे टू मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, कन्फ्यूजन करने से अच्छा है कि हम फाइंड कर लें, तो जेड प्लस आई मिल जाएगा, ठीक है, और जेड रेस टू के प्लस वन, ओके, अपॉन जेड माइनस आई और जेड प्लस आई, और यहाँ पे जेड इक्वल टू माइनस आई, ठीक। तो ये जाएगा, तो माइनस रखना है, मतलब माइनस आई रेस पावर के प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू आई, ठीक, माइनस टू आई होगा ये वाला कंसेप्ट। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए, माइनस आई रेस टू निकाल देंगे, माइनस आई निकल जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ मिल जाएगा आर टू इज इक्वल टू माइनस आई पावर के प्लस वन अपॉन सॉरी अपॉन टू, ये मिल गया आई पावर के, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से आई माइनस आई निकालेंगे तो माइनस आई से आई कैंसिल होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमें रेसिड्यू निकाल लेना है, तो एफ के क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू,
आई रेस टू के अपॉन टू प्लस माइनस आई रेस टू के अपॉन टू, ये हो गया, इतना ही करना था इसको। अब आगे का वर्क ना इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे आई अगर हमें निकालना है, मान लीजिए इसको पोलर फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, पोलर फॉर्म, तो आई इक्वल टू क्या हो सकता है, कॉस पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू कर सकते हैं ना, ठीक है, तो आई रेस टू के अगर, या इसको ई रेस टू आई पाई बाय टू कर सकते हैं, तो आई रेस टू के क्या हो जाएगा, ई रेस टू आई पाई बाय टू के, ठीक है, ये निकल जाएगा। और माइनस वाले कंसेप्ट में क्या हो जाएगा, माइनस जो होगा, तो अगर माइनस आई रेस टू के आ जाएगा, यहाँ पे ई रेस टू माइनस आई पाई बाई टू के हो जाएगा, सिंपल। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, या ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, पाई बाई टू के प्लस आई साइन पाई बाई टू के, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई टू के माइनस आई साइन पाई बाई टू के। तो अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, टू बाहर हो जाएगा, तो ये टू तो चला गया, यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो ये देख लीजिए, ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, टू कॉस पाई बाई टू के, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, मतलब मिल जाएगा कॉस पाई बाई टू के, ये मिल गया, सिंपल। तो इस केस में ये हमारा मिल गया, और यहाँ पे हो जाएगा के ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, मॉड जेड होगा ग्रेटर देन। तो इस तरह से ये वर्क मतलब हम कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिए। तो बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं आप खुद ट्राई कर लीजिए कैसे सॉल्व हो जाएंगे, ये देख लीजिए तीन जो और दो प्रॉब्लम दिए हैं ना, तो इनको इन्वर्सन मेथड से फिर से वही वर्क करिए और सिंप्लीफाई कर लिए। सो टेक केयर, थैंक यू, एंड आगे अब इसका जो प्रॉब्लम्स होगा वो डिफरेंस इक्वेशंस पे होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सो टेक केयर, थैंक यू।